हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपको न्यू राजस्थान चाट वालों के पास लेके आए हैं, जिनकी बल्ला पापड़ी चाट बड़ी ही फेमस है अपने अमृतसर में, और काफ़ी वैरायटी बनाते हैं। जैसे ये पाव भाजी भी बनाते हैं, डोसा भी बनाते हैं, और चाट में भी काफ़ी इनके पास वैरायटी है। और इनके जो दही बल्ले हैं वो भी काफ़ी फेमस है, बट इनकी जो दही बल्ला पापड़ी चाट है वो हम आज ट्राई करने आए हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं अपने अंदर जाके ओनर से बात। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन है वो बताता हूँ। ये लारेंस रोड पर इनकी दुकान है। तो चलिए गाइस, लोकेशन शेयर करता हूँ। देख रहे हैं, ये लारेंस रोड फेमस रोड अपने अमृतसर में है, और काफ़ी फेमस है। जब आप वीवी की डीएवी कॉलेज के बिल्कुल पास में पहुँचोगे तो बिल्कुल सामने इनकी दुकान है। तो काफ़ी फेमस है अपने न्यू राजस्थान चाट वाले। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर, देखते हैं और क्या क्या वैरायटी इन्होंने बनाई हुई है। तो गाइस, हमारे साथ हैं दुकान के ओनर। तो नमस्ते भैया। नमस्ते सर। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको ये आउटलेट चलाते कितने साल हो गए। हमें ये आउटलेट चलाते हुए 10 साल हो गया। और मैंने सुना है आपकी जो बल्ला पापड़ी चाट है बड़ी ही फेमस है अमृतसर में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। हमारी बल्ला चाट इसलिए फेमस है क्योंकि हम दही बहुत अच्छा यूज करते हैं। हमारी दही यूनिक होती है। हाँ जी, यूनिक होती है, और हमारी चटनी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, चटनी जो आपकी काफी यूनिक है। हाँ जी, क्योंकि तो हम खुशी बनाते हैं। इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं हम? इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्पेशल है हमारी पाव भाजी। पाव भाजी काफी फेमस है। हाँ, हमारी स्पेशल आलू पनीर टिक्की है। अच्छा, आलू पनीर टिक्की है, वो भी आपसे यहाँ पे मिलेगी। हाँ जी। इसके अलावा क्या क्या वैरायटी है? इसके अलावा हमारे पास सारे चाइनीज में आइटम है। चाइनीज भी है। हाँ जी। डोसा भी मैंने सुना है। डोसा भी है हमारे पास। तो सो गाइस, आपको यहाँ पर काफी वैरायटी स्नैक्स में मिलने वाली है, और जो इनकी जो दही बल्ला पापड़ी वो तो फेमस है ही है। तो प्रशांत जी, ये एरिया लॉरेंस रोड पड़ता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो टाइमिंग वगैरह क्या रखी है आपने? हमारी दुकान शुरू होती है 12 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। 12 बजे शुरू हो जाते हो, दोपहर रात के 10 बजे तक। हाँ जी। ओके, और संडे को ओपन होता है? हाँ, संडे को भी ओपन होता है। ठीक है। तो ठीक है प्रशांत जी, हमारे दोस्तों को दिखाएं आपने क्या क्या। तो प्रशांत जी, ये है अपनी अपने चाट बनाने के लिए पापड़ी है ये। तो मैं देख रहा हूँ काफी यूनिक है, कैसे ये तैयार करवाते हो? ये तो हमारे पास ही तैयार होती है। खुद तैयार करते हैं आप, बाहर से नहीं आप अरेंज करते इसको? ये सब जो सामान आप देख रहे हो ये सब खुद बनाया हुआ। काफी मुझे यहाँ पर खुशबू भी आ रही है। मसाले वगैरह भी अपने यूज करते हैं आप? हाँ जी, मसाला भी हम खुद ही। ठीक है। और नीचे मैं देख रहा हूँ ये क्या है? सबसे पहले तो ये चटनी है। ये कौन सी चटनी है? ये माकड़ी की चटनी है। अच्छा, माकड़ी की है। इसमें क्या क्या डाला हुआ है आपने? ये हम नहीं बता सकते आपको, मतलब सीक्रेट है। मतलब ये सीक्रेट है। काफी दोस्तों यहाँ पर खुशबू आ रही है चटनी के साथ में। दही रखा हुआ है, और ये जो आपके फेमस हैं दही बल्ले, ये भी आपके बड़े फेमस हैं। हाँ जी। सो गाइज, आप दही बल्ले भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, काफी वैरायटी है इनके पास। और उसके साथ भैया क्या क्या रखा हुआ आपने? ये दही बल्ले हैं, ये हमारे सारे चाट का आइटम है, मतलब। अच्छा, जो चाट में डलता है। एक तो मैं देख रहा हूँ ये मसाला है, एक आपने जिंजर काट के रखा हुआ है। ये कौन सी चटनी है? ये हरी चटनी है। हरी, और ये अनार के दाने हैं, प्याज है, और आलू और चने मिक्स किए हुए हैं। और ये आपका जो है कांजी, कांजी है जो गोलगप्पे वगैरह में देते हो आप। तो गोलगप्पे सूजी वाले ही आप ओनली देते हो? सिर्फ सूजी वाले, मैदे वाले नहीं होते हैं आपके पास? तो वो भी काफी क्रिस्पी होते हैं खाने में। तो प्रशांत जी, ये अपने पानीपुरी है। हाँ जी। तो गोलगप्पे मतलब काफी फेमस है आपके सूजी वाले। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको पैक करके रखा हुआ है, मतलब। हाँ, क्योंकि पैकिंग इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ पैकिंग बहुत बढ़िया आपने की हुई है। क्लास का पता लगता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ए क्लास का आप काम कर रहे हैं सारा। तो कांजी, तो कांजी कौन सी बनाते हैं? इमली वाली? नहीं नहीं, हमारे अलग होते हैं, मसालों वाली। अच्छा, मसाले वाली होती है। और साथ में आप ढोकला भी देते हैं? हाँ जी, ये ढोकला भी। क्या बात है जी, एक ही छत में काफी स्नैक्स हैं आपके पास। बेलपुरी भी आपको मिलने वाली है ना प्रशांत जी? हाँ जी। तो मेरे मुंह में तो प्रशांत जी पानी आ गया। मेरे लिए आप दही बल्ले वाली जो है आपकी चाट फेमस है वो लगा दीजिए। करने लगे हैं हमारे लिए प्लेट तैयार। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? सबसे पहले बल्ला पड़ेगा। क्या बात है, बल्ला भी मैं देख रहा हूँ काफी सॉफ्ट है ना आपका। तो और फिर पापड़ी, ये सब बाद में आ गए हमारी पापड़ी। तो प्रशांत जी, हमारे जो दही बल्ले हैं आपके वो भी बड़े ही फेमस हैं। हाँ जी। तो वो भी यहाँ से सब मिलता है आपके? सब सब सब। ठीक है। ये कौन सा मसाला डाला? ये हमारा स्पेशल खुद के तैयार किया हुआ मसाला है। अच्छा, ये खुद का तैयार है। खुद का बात है, बहुत खुशबू आई है। तो कुछ बता सकते हैं मसाले में क्या क्या डाला हुआ है? ये सीक्रेट है आपका ना? सीक्रेट है। क्या बात है, ये अपना दही आ गया। हाँ जी। और इसके बाद चटनी आ गई माकड़ी वाली। हाँ जी। क्या बात है, इसमें देख रहा हूँ काफी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद आएगा हमारी सेवई ऊपर से। ठीक है जी, सेवई आ गई हमारी। क्या बात है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है दोस्तों।
तो ये कुछ जिंजर की स्लाइसेस हैं और धनिया है हमारा, और फिर अनार ऊपर से, ऊपर से अनार आएगी। तो ये रेडी है हमारे लिए खाने के लिए। तो भैया क्या कॉस्ट रखी है आपने इसकी? एक प्लेट की कॉस्ट है 80 रुपीस। तो प्रशांत जी स्विगी और जोमेटो पे भी हैं आप? हाँ, हम स्विगी और जोमेटो पे भी हैं। अच्छा जी, नेम यही है न्यू राजस्थानी चाट। न्यू राजस्थानी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सो गाइस, होगी है हमारी दही बल्ले पापड़ी की चाट जो है तैयार। तो करते हैं टेस्ट, फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है इनकी चाट का। तो फाइनली होगी जी हमारी बल्ला पापड़ी चाट तैयार। तो खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही, जो भैया बता रहे थे हम अपना सीक्रेट मसाला डालते हैं उसमें, काफ़ी मसाले वगैरह इन्होंने डाले हुए हैं। तो वैसे तो भैया ने बताया नहीं, बट उसमें भैया बता रहे थे कम से कम हमने जो 20-22 के आसपास जो स्पाइसेस जो है वो डाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने देखिए काफ़ी अच्छी तरह से इसको सजाया है, टेम्पटिंग लग रही है बिल्कुल हमारी ये बल्ला पापड़ी जो चाट है, और 80 रुपये की ये प्लेट है। तो काफ़ी फेमस है अपने न्यू राजस्थान वाले अपने लारेंस रोड पर। तो चलिए गाइस करते हैं, ट्राई करते हैं। और पापड़ी भी इनकी कुछ स्पेशल है, ऑसम दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। पापड़ी का जो बिल्कुल क्रंची फ्लेवर आया है इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो दही और जो माकड़ी की जो चटनी है उसके साथ वो काफ़ी अच्छा जो है बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा इनका बल्ला जो है वो ट्राई करते हैं। और इनके जो बल्ला चाट है वो भी बहुत फेमस है, दो बल्ले देते हैं साथ में दही और अपनी माकड़ी वाली चटनी डालते हैं, अनार के दाने और थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया वगैरह, वो भी बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल सॉफ्ट है, और इसमें मुझे थोड़ा सा मूंग दाल और जो माँ की दाल होती है उसका फ्लेवर आया है, बहुत ही बढ़िया। दही काफ़ी ठीक है। तो सो गाइस, कभी अमृतसर आए तो न्यू राजस्थान वाले हैं अपने लांस रोड पर, इनके पास काफ़ी वैरायटी है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स इनका आप इनके पास आके। सो गाइस, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।